कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी इमामी सेवियों की रेसिपी, जिन्हें अधिकतर ईद पर बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सेवियाँ हमारी बनकर तैयार हुई हैं। चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपसे इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीका शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इमामी सेवियाँ बनाने के लिए दोस्तों मैंने ले लिए 100 ग्राम सेवियाँ। वैसे तो ये रोस्टेड सेवियाँ रहती हैं, हर जगह मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। आप पहले इन्हें बिल्कुल बारीक तोड़ लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे धागे रहते हैं इनके, तो आप इनके छोटे छोटे पीसेस कर लें इस तरीके से। देखिए मैंने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इस तरीके से कर लेने से एक तो ये भूनना भी बहुत आसान होता है इन्हें, और बाद में जब ये हमारी सेवियाँ बनकर तैयार होती हैं तो बहुत ही अच्छी दिखाई देती हैं। अब मैंने ले ली चाशनी बनाने के लिए ये एक कप चीनी, वजन में करीब 150 ग्राम होगी। ऐसे एक पैन में डाल लूँगी और इसमें मैं डालूंगी 1.5 कप पानी। आप कोई भी कटोरी सेट कर लें और उसी के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं अगर आपके पास मेजरमेंट कप ना हो। मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। हमें इसकी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस जस्ट एक तरह से हमें एक शुगर सिरप तैयार करना है जिसमें ये चीनी आराम से घुल मिल जाए। अब इसे गैस पर चढ़ा दें। मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया है। अब एक अच्छे कलर के लिए अगर आपके पास केसर के धागे अवेलेबल हो तो आप केसर डाल सकते हैं, अदरवाइज केसर ना हो, क्योंकि केसर सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इसमें डाल दें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, उससे बहुत ही अट्रैक्टिव बनकर तैयार होती हैं ये हमारी सेवियाँ। मैं इसमें बिल्कुल 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, जो केसरी वाला फूड कलर आता है। और फ्लेवर के लिए इसमें डाल दूंगी 1/4 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। देखिए हमारी चीनी भी काफ़ी अच्छे से घुल चुकी है, बस हमें एक सिरप ही तैयार करना था इसका। आप देख सकते हैं, आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे साइड में रख लें, क्योंकि हमें इसमें कोई तार नहीं बनाना है अभी। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई को चढ़ा लिया है और इस पर मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच घी। घी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। जो लोग थोड़ा ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने 8-10 बादाम, 8-10 काजू, कुछ किशमिश, ये थोड़े से डेट्स थे मेरे पास, इनको भी लंबाई में काट लिया है। अब मैं इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। इस तरह से रोस्ट करके बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। पहले घी को गर्म हो जाने दीजिए। अब सबसे पहले आप डाल दें काजू और बादाम। किशमिश को आप सबसे लास्ट में डालें, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी जल जाती हैं। बस इन्हें हल्का सा गोल्डन होने तक आपको फ्राई करना है, जिससे इनका कच्चापन भी निकल जाए और एक अच्छी खुशबू इनमें आने लगे। देखिए हल्के हल्के से फ्राई होने लगे हैं। अब आप इसमें डेट्स भी डाल दें। इन्हें भी हल्का सा भून लें। देखिए अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और बंद फ्लेम में आप किशमिश को डाल दें, क्योंकि घी गर्म है, किशमिश उसी में ही रोस्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आंच की ज़रूरत इन्हें नहीं होती है। बस इन्हें 1 मिनट के बाद आप सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लें। देखिए काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट होकर तैयार हैं। अब चलिए वापस इस पर फोकस करते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी 1 चम्मच के करीब, और गैस को वापस चालू कर दें। जैसे ही घी गर्म हो जाए, हमने जो सेवियाँ तोड़ कर रखी थी टुकड़ों में, आप उसको डाल दें। वैसे तो ये रोस्टेड होती हैं, लेकिन घी में फ्राई होने के बाद एक अलग ही फ्लेवर इसमें आ जाता है, तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर करें। और इन्हें हल्का सा गोल्डन होने तक, जब तक ये अच्छे से घी में पूरी तरह कोट ना हो जाएं, तब तक आप इन्हें फ्राई कर लें। गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम रखें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना करें, क्योंकि ये बहुत ही कम आँच की इन्हें ज़रूरत होती है, तो ये बहुत जल्दी जल जाती हैं, तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें। देखिए मैंने इन्हें करीब 2 मिनट भून लिया है घी के साथ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर इनका आ गया है। बस अब आप इसमें ऐड कर दें वो चाशनी जो हमने बना के रखी थी। आराम से धीरे धीरे ऐड करें और मिक्स करते जाएं, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। अब आप गैस को बिल्कुल लो करके इसे ढककर करीब 2-3 मिनट पकने दें, जिससे ये सारा जो शुगर सिरप है इसमें अच्छे से सोक हो जाए। देखिए मैंने करीब 3-4 मिनट में ढककर लो फ्लेम पर पका लिया है। आप देख सकते हैं पूरी चाशनी इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब आप इसे स्टेज पर डाल दें। इसमें 100 ग्राम मावा, ये मैंने घर का ही मावा बनाकर रखा है, और इसे अच्छे से मिक्स करें। और इसी समय जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें ऐड कर दें। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी।
और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और एक दो मिनट और पकने दें। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके वापस एक से दो मिनट के लिए ढक दें आप। देखिए मैंने करीब दो मिनट और पका लिया है इन्हें। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से घुल मिल चुकी हैं। और अब आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। हमारी ये सेवियाँ बनकर तैयार हैं। थोड़ी देर आप इन्हें ठंडा होने दें, फिर ये एकदम खिली खिली होकर तैयार हो जाती हैं और फिर आप सर्व करें। देखिए दोस्तों हमारी सेवियाँ सर्व के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खिली खिली हमारी की मामी सेवियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट तरीके से हैं इसमें। जब ये थोड़ा गर्म रहती हैं आप जैसी भी पसंद करते हैं वैसे ही इन्हें खा सकते हैं। अगर आप गर्मा गर्म पसंद करते हैं तो गर्मा गर्म खा सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें ठंडा करने के बाद खा सकते हैं। अब मैं ऊपर से कर देती हूँ थोड़े से मावा से गार्निशिंग। ये मैंने थोड़ा सा मावा क्रम्बल करके रख लिया था। और अब लास्ट में मैंने जो कुछ ड्राई फ्रूट्स ऊपर से बचा लिए थे फ्राई करने के बाद उनसे थोड़ी सी गार्निशिंग कर देती हूँ। लीजिए दोस्तों हमारी टेस्टी सी की मामी सेवियाँ सर्व के लिए तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी पर आप भी बनाइए टेस्टी की मामी सेवियाँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।